अमूमी तौर पे हमारे यहाँ जो मोहब्बत की शादियां कही जाती हैं वो ज्यादातर नाकाम होती हैं और तलाक तक नौबत पहुंचती है। उसका सबब क्या कि कच्ची उम्र के बच्चे अपने जज्बात से फैसला करते हैं और उनकी नजर के अंदर सिर्फ एक दो चीज देखने की होती है जिससे वो फैसला करते हैं, लेकिन कोहना मश्क और गरम सर्द चशीदा वालदैन इस बात को जानते हैं कि हमारी औलाद की तरजीहात क्या हैं और जो है वो इस दवाजी जिंदगी कैसे खूबसूरत गुजरती है। इसलिए वो जो फैसले करते हैं वो फैसले जो है वो बहुत अच्छे होते हैं। कभी ऐसा होता है कि औलादों को अल्लाह ताला फहम फरास्त और अक्ल व खिरद की फरावानियां नसीब कर देता है और वालदैन वाकईतन फहम और समझ में उस मुकाम पे नहीं होते, तो सआदतमंद औलादें उस वक्त भी अपने वालदैन को शामिल करती हैं और उनके फैसले अच्छे भी होते हैं। लेकिन अमूमी तौर पे होता है कि चाहे वो स्कूल कॉलेज और यूनिवर्सिटी में ना भी गए हों वालदैन, लेकिन उनके तजुर्बात अमलन जो हैं वो ज्यादा होते हैं। इसीलिए फरमाया गया सैयद आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा से मरवी रिवायत है, अय्युमा इमरातिन नकहत बगैर इज्न वलीहा फनिकाहुहा बातिलुन फनिकाहुहा बातिलुन फनिकाहुहा बातिलुन, 3 मरतबा फरमाया। जो खातून अपने वली की इजाजत के बगैर निकाह करती है उसका निकाह बातिल है, उसका निकाह बातिल है, उसका निकाह बातिल है। तो अमूमी तौर पे वो निकाह जो है वो नाकाम हो जाते हैं, इसलिए कि वक्ती जज्बात से वो रिश्ते जुड़ते हैं और वो एक खास उम्र तक वो जज्बात होते हैं, लेकिन उसके बाद वो रिश्ते टूट जाते हैं। माँ बाप को पूरी तरजीहात और पूरी जिंदगी के सारे नशीब व फराज का इल्म होता है और वो सारी चीजें सोच समझ के कोई चीज जो है वो तय करते हैं। उसमें बास का ऐसा भी होता है कि वालदैन बच्चों की तरजीहात देखे बगैर अपनी ख्वाहिश को मुकदम कर लेते हैं, तो ये चीज भी तनाव का सबब और तलाक की नौबत तक पहुंचा देती है। यानी बास का माँ बाप को जिद होती है कि मैं अपने रिश्तेदारों में ही अपने बच्चे का निकाह करना है और वो बेटी जो है उसका मिजाज नहीं जुड़ रहा होता। तो ये ख्वाहिश अच्छी है, लेकिन अगर उनकी जिंदगी तल्ख होगी तो अपनी ख्वाहिश को औलाद के लिए कुर्बान करना होगा। बहरहाल जो भी जराए हैं तलाक के, जो भी असबाब हैं, मुहर्रिकात हैं, नतीजा अगर तलाक तक पहुंच जाए मर्द को फिर भी उसकी मर्दानगी रोक रही होती है और औरत बिला झिझक जब वो जज्बात में आती है तो वो तलाक मांगने में देर नहीं करती। और बहुत सारी तलाक जो जज्बाती माहौल में होती हैं उसमें कसूर खातून का होता है कि वो तलाक मांगती है। तो औरत को कभी भी तलाक नहीं मांगनी चाहिए। हाँ, अगर वाकईतन उसका इस्तेहकाक बनता है, वहां जिंदगी गुजारना मुश्किल हो गया है, तो वो अदालत में रुजू करके खुला ले सकती है। लेकिन ये औरतें जो डट जाती हैं कि ठीक ठीक है मुझे भी फारग करो, मैं एक लम्हा इस घर नहीं रहना चाहती, ये घर मेरे लिए जहन्नुम है, और ये उसकी बहनों के सामने, उसके भाइयों के सामने, उसके खानदान वालों के सामने उसको यूं ललकार रही होती है, तो फिर वो तलाक दे देता है। और बासकत वजह नहीं होती, एक वक्ती तनाव होता है। तो हजरत इमाम अबू दाऊद ने हुजूर का ये फरमान लिखा है कि आका करीम ने फरमाया कि जो खातून बगैर उज्र के अपने शोहर से तलाक मांगती है वो जन्नत की खुशबू भी नहीं पाएगी, और जन्नत की खुशबू 500 साल की मसाफत से आना शुरू हो जाएगी। तो जो बगैर उजर के अपने शोहर से तलाक मांगती है, तो ये बात जहन में रखिएगा कि औरत नहीं चाहती कि ये उसके वक्ती जज्बात होते हैं, वो यही चाहती है कि मैं सुर्ख जोड़े में इस घर में आई हूं तो सफेद कफन में वापस लौटू इस घर में, और औरत की आरजू होती है कि मेरा शोहर जो है वो मुझको जो है वो खुद अपने हाथों से जो है वो लाहद में उतारे। मेरे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरत के इस जज्बात का लिहाज करते हुए एक दिन सईद आयशा से कहा कि आयशा अगर तू इंतकाल कर जाए मैं तुझे खुद कफन दूँ, खुद लहद में उतारूं। तो हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा की चश्मान अकदस से आंसू आ गए कि ये अगर हो तो मेरे लिए इससे बड़ा क्या एहसास है कि मेरा शोहर मेरा खुद जनाजा पढ़े और खुद मुझे कफन दे और खुद मुझे लहद में उतारे। तो घर टूटने से बचे, और मियाँ बीवी का जिस्ता ये दुनिया में रिश्ता है तो ये रिश्ता आखिरत में भी कायम रहेगा, और जब खातून जन्नत में जाएगी तो ये जो है वो उन हूरों की जो मर्द को जन्नत में अता की जाएंगी ये उनकी सरदार होगी, और इसका हुस्नो जमाल उनसे फरावा होगा, और अल्लाह ताला इसको वहां जो इज्जतें देगा, चूंकि वो दारुल जजा है, दारुल अमल तो है नहीं है, तो वो दीदनी होंगी।